Chappelle Cut. आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास सेकंड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 द स्नेल हाउस। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है स्नेल, उसे अपने हाउस तक पहुंचना है। बीच में इतनी सारी ये मतलब जो एक बुलबुलैया टाइप दिया गया है इससे उसे अपने हाउस तक पहुंचना है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको कंप्लीट करना है। आते हैं हमारी पोयम पे। ये देखो बच्चों ये आपको स्नेल दिखाई दे रही है, इससे रिलेटेड आज की जो हमारी पोयम रहेगी वो हम पढ़ते हैं। स्लीमी एंड द स्लिपरी स्नेल्स आर सच फन, मतलब स्लीमी मतलब स्लीमी दुबली पतली, स्लिपरी मतलब फिसलती हुई स्नेल है वो फन के साथ वहाँ पर है, उसको फन मतलब वो मज़ा ले रही है। स्लोली दे मूव, स्लोली स्लोली धीरे धीरे मूव करते हुए। दे कांट इवन रन, वो दौड़ नहीं सकती। लीविंग देयर ट्रायल, ठीक है अपने ट्रायल को छोड़ के। बिहाइंड एज दे गो, अब अगर वो जाना चाहती है, यू कैन सी वेयर देयर हैव बीन, मतलब जहाँ उसका बीन होगा वो वहीं पर, देयर हैव बीन मतलब सॉरी यू हैव सी वेयर मतलब हम उसे कहाँ देख सकते हैं, दे हैव बीन एंड हाउ वेरी स्लो, अब वो धीरे धीरे चलेगी और धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी, उसे वैसे ही हम देखेंगे। ऑन देयर बैक इज अ शेल, उसके बैक पे क्या है, एक शेल बना हुआ है। देखिए इस तरह का शेल बना हुआ होता है, उसकी पीठ पे ऐसा शेल बना है, ठीक है। इट्स रियली देयर होम, यही उसका असली घर है। इट्स एवर सो स्मॉल, वह बहुत छोटी है। बट इट्स गोज वेयर दे रोम, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और वहाँ तक वो रोम तक पहुँचती है, ठीक है। आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ आई होगी। इसके सारे जो आंसर्स है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़, ये देखो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये भी एक्टिविटी है, देन ये वाली, देन ये सारी एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी है, ओके। यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज तक जितने सिलेबस में चैप्टर्स पढ़ाए होंगे समझ आए होंगे, ओके। थैंक यू एंड बाय।